आईपीएल 2018 में रविवार को हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो आईपीएल के पिछले 10 सालों के इतिहास में नहीं बन पाया। इस अनोखे रिकॉर्ड को बनाया हैदराबाद के बल्लेबाज केन विलियमसन और शाकिब अल हसन ने। चेन्नई के खिलाफ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीम के हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन और शाकिब अल हसन ने दौड़कर 4 रन पूरे किए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दूसरी पारी के 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर विलियमसन ने काफी शानदार शॉट खेला। गेंद डीप मिड विकेट की तरफ तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी कि रविंद्र जडेजा ने गेंद को फील्ड किया और चौका जाने से रोका। उनकी फील्डिंग के दौरान ही फिर से गेंद जडेजा के हाथ से लगकर इतनी दूर चली गई कि जब तक फील्डर उसे उठाकर थ्रो करते विलियमसन और शाकिब ने दौड़कर 4 रन पूरे कर लिए। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि दो बल्लेबाजों ने दौड़कर 4 रन पूरे किए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्लंकेट बिना खाता खोते 6 रन की गेंद पर कैच आउट हो गए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।